How to make a girl think about you all the time? ऐसी क्या बात है कि कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनको लेके औरतें obsessed रहती हैं, उनके बारे में ही सोचती रहती हैं, और कई आदमी ऐसे होते हैं जो औरतों से manipulate हो जाते हैं। मुझे अपने आसपास जब भी loneliness दिखाई देता है, confused आदमी, confused औरतें, तो मुझे उनकी परिस्थिति देख के बहुत बुरा लगता है। इस वीडियो से मैं चाहती हूँ आप वो स्ट्रैटेजी सीख जाए जिससे आप ऐसा इंसान बन जाए जिसके बारे में दूसरे हमेशा सोच रहे हों। सीखने वालों का और खोजियों का स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास, स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। मार्केटिंग में एक चीज बहुत अच्छे से समझाई जाती है, अगर आप सबको बेचने की कोशिश कर रहे हो तो कोई भी आपसे नहीं खरीदने वाला। सेलर को ये समझाया जाता है कि कस्टमर्स एक तरीके के नहीं होते, कस्टमर्स में कैटेगरी होती है, तो हर कैटेगरी के इंसान को कुछ अलग ही चाहिए होता है। आपको ये पता करना होगा कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, और फिर आपको अपने टारगेट ऑडियंस को वो देना पड़ेगा जो वो चाहते हैं। ठीक इसी साइंटिफिक प्रिंसिपल को आप रिलेशनशिप में लगाइए। ये मत सोचिए कि सारी औरतें एक जैसी होती हैं, औरतों के भी भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। कोई महिला बहुत एक्सट्रोवर्ट होती है तो कोई इंट्रोवर्ट होती है, कोई सेंसिटिव और एग्रेसिव है, छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाती है, और कोई सेंसिटिव और इमोशनल है, छोटी सी बात पे उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। कोई बहुत एम्बिशियस होती है तो कोई काफी सिक्योर किस्म की होती है, आराम से मस्त है, कुछ भी करो, वो काफी रेजिलिएंट और टॉलरेंट है। फिर कुछ लड़कियां बहुत इनसिक्योर होती हैं, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, तुम्हारा फोन ऑनलाइन क्यों है। तो कुछ लड़कियां अवॉइडेंट किस्म की होती है, उन्हें प्यार एक्सप्रेस करना अच्छा नहीं लगता, उन्हें बहुत ज्यादा प्यार अगर दिखाया भी जाए तो फिर वो शक्की हो जाती है, ट्रस्ट नहीं करना चाहती। आपको ये चुनना पड़ेगा कि आपको किस तरीके की लड़की चाहिए। ये मत कहना कि आपको हॉट और सुंदर लड़की चाहिए, क्योंकि हॉट और सुंदर कोई भी लड़की हो सकती है अगर वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके सही से पैसे खर्चा करेगी। ये भी समझ लो, अगर कोई बहुत हॉट और सुंदर लड़की आपके जीवन में आ रही है तो उसके खर्चे भी बहुत होने वाले हैं, क्योंकि हॉटनेस और सुंदरता मेंटेन करने में बहुत खर्चे हैं। अब मैंने जितने जितने टाइप बताए उसमें से अगर आप जानना चाहते हैं कि लड़की किस टाइप की है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सारी बातें मैं एक वीडियो में तो नहीं बता सकती ना। ये वीडियो का एम है ये पता करना कि किसी लड़की को आपके बारे में ऑब्सेस्ड कैसे करते। उस चीज को करने के लिए आपको जानना होगा कि ये लड़की जिंदगी में चाहती क्या है। वो जो भी चाहती है उसे ओवर डिलीवर कीजिए, लेकिन एट अ कॉस्ट। अलग अलग लड़कियां जिंदगी में अलग अलग चीजें चाहती हैं, कोई सेफ्टी चाहती है, कोई सिक्योरिटी चाहती है, कोई ग्रोथ चाहती है, कोई बहुत ज्यादा ऐश्वर्य विलास, किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को अटेंशन पसंद है। कौन सी लड़की को क्या पसंद है ये अगर आपको पता करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो अपने दो मेजर रिसोर्स कहाँ खर्च करती है, वो है टाइम और पैसे। एक लड़की अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम जहाँ खर्च करती है उससे आपको पता लग जाएगा वो अपनी जिंदगी में क्या पाने की कोशिश कर रही है। ठीक यही चीज पैसों में भी आती है, क्या वो ज्यादा किताबें खरीदती है, या वो ज्यादा कॉस्मेटिक की चीजें खरीदती है, या वो अपना बहुत सारा टाइम गेमिंग करने में गुजार देती है। उसके पैसे और समय जहाँ जा रहे हैं वो वही जगह है जहाँ वो जाना चाहती है। एक बार आपको पता लग गया कि लड़की कहाँ जाना चाहती है तो बस उसके बाद उसको उस जगह तक पहुँचने में मदद कीजिए, ओवर डिलीवर कीजिए। जितना वो एक्सपेक्ट कर रही है आपसे उससे ज्यादा ही दीजिए, इतना ज्यादा दीजिए कि उसे आपकी आदत हो जाए। लेकिन जो भी आप दे रहे हैं वो हमेशा फ्री में नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज हमेशा फ्री में मिले तो हमें उसकी वैल्यू ही नहीं पता होती। जैसे कि जब तक ऑक्सीजन हमें फ्री में मिल रहा है हमें उसकी वैल्यू नहीं पता है, जब तक कि सांस लेने के लिए हमें साफ हवा मिल रही थी हमें उसकी वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन अब देखो लोगों को पता है कि साफ हवा की कितनी ज्यादा वैल्यू है। इसलिए जो भी चीज आप लड़की को दे रहे हैं वो एक कॉस्ट पे होनी चाहिए। कॉस्ट मतलब क्या, उसे आपको पैसे देने चाहिए? नहीं नहीं, उसे भी आपके साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसे खर्च करनी पड़ेगी अपनी एनर्जी, अपना समय, अपना कमिटमेंट, अपनी लॉयल्टी। समय समय पर जो भी वैल्यू आप उसे दे रहे हैं उसके बदले आपको उस लड़की से एक कॉस्ट लेते ही रहना चाहिए। जो भी वैल्यू आप उसे दे रहे हैं अगर वो वैल्यू रैंडम होने लगे तो फिर वो आपसे और ज्यादा एडिक्टेड हो जाएगी। जैसे कि अगर आप उसकी तारीफ करते हैं शुरुआत में खूब कीजिए, लेकिन धीरे धीरे उस तारीफ को रैंडम कर दीजिए और थोड़ा कम भी कर सकते हैं। इससे वो लड़की आपसे तारीफ पाने के लिए ऑब्सेस्ड हो जाएगी, वो यही सोचती रहेगी कि वो और ऐसा क्या करे कि आप उसकी तारीफ करें। किसी को अगर पाना है तो चार स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, जो भी आपको चाहिए
उसे विजुअलाइज कीजिए कि वो आपको मिल जाएगी तो जिंदगी कैसी होगी। अगर एक ऐसी लड़की है जो थोड़ी नकचड़ी है, वो अगर आपको मिल जाएगी तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। अगर लॉन्ग टर्म में वो आपके साथ रहेगी तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएंगे, आपके आसपास के लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या सच में आप उसके साथ खुश रहेंगे, आप लोग किस तरीके से समय बिताएंगे, आप लोग किस तरीके से मजे करेंगे, आप लोग कौन सी बातों के ऊपर लड़ेंगे झगड़ेंगे। तो जो भी चीज आपको चाहिए उसे सबसे पहले अच्छे से विजुअलाइज कर लीजिए, उससे आपको पता लगेगा इसमें अच्छा कितना है और बुरा कितना है। दूसरा स्टेप है, जो भी चीज आपको चाहिए उस चीज तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं। अब अगर इस नकचड़ी लड़की तक आपको पहुंचना है तो उसको पाने के कितने रास्ते हो सकते हैं। आपको उसके फादर से ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा, या फिर आपको उसके दोस्तों से दोस्ती करनी पड़ेगी, या आपको उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पड़ेगा, या आपको जानना पड़ेगा कि वो कौन सी बात को लेके इतनी ज्यादा नकचड़ी है, या आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप उससे ज्यादा सुपीरियर है। क्या रास्ते हैं उसका दिल जीतने के, सारे रास्ते लिख डालिए। एक बार आपने सारे ऑप्शन अपने सामने लिख लिए हैं तो उसके बाद ये सोचिए कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा सुरक्षित है और सबसे ज्यादा जल्दी आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएगा। जल्दी लक्ष्य में पहुंचने की हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये याद रखना कि लक्ष्य आपका सुरक्षित भी होना चाहिए। ऐसा रास्ता मत ढूंढिए जिससे आपको नुकसान हो सकता है, सामने वाले व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। किसी और को दुख देकर तकलीफ देके हम अगर खुश हो भी गए, वो खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है, लेकिन अगर हम किसी और को खुशी देके खुश होंगे तो वो खुशी बहुत देर तक रहती है। एक बार जब आपको पता लग जाता है कि ये लड़की अपनी जिंदगी में क्या चाहती है, मैं उस चीज को उसे कैसे दे सकता हूँ, कौन से मेथड से मैं उसके और नजदीक पहुंच सकता हूँ, तो फिर बस और इंतजार किस बात का, सबसे सेफेस्ट रास्ते के ऊपर एक्शन लेना शुरू करो। एक्शन लो, बैठे ही रहोगे प्लान ही करते रहोगे तो कैसे चलेगा, कुछ एक्शन लो। एक्शन लेने में बेसिकली साहस इस्तेमाल करना पड़ता है। हमें डर लगता है हम हार गए तो, हम रिजेक्ट हो गए तो क्या, अपने आप को माफ कर देना और फिर से शुरुआत करना। सो खुद को माफ करने के लिए रेडी हो जाओ तो एक्शन लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। रिलेशनशिप में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, साइकोलॉजी के इस्तेमाल से आप अपनी जिंदगी को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इन सारी चीजों को जानने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए। आशा करते हैं आज का डिस्कशन आपके लिए क्लियर कर रहा होगा कि किस तरीके से आप लड़कियों तक पहुंच सकते हैं और उनके बीच में पॉपुलर हो सकते हैं। मुझे पता है वीडियो देखकर कुछ लड़के जरूर कहेंगे कि ये महिला है, ये खुद कैसे कह सकती है कि दूसरी महिलाओं को क्या चाहिए, और महिलाओं को पता ही नहीं होता, उनको इतनी अकल ही नहीं होती। तो इस बात पे मुझे मार्केटिंग की एक और बात याद आती है कि मार्केटिंग में हमेशा ये भी सिखाया जाता है कि अगर आप अपने कस्टमर का सम्मान नहीं करेंगे तो आप कभी भी उन्हें अपने पास ज्यादा देर तक नहीं रोके सकेंगे। मैं देखती हूँ कमेंट सेक्शन में बहुत सारे आदमी होते हैं जो एंटी वुमन है। अगर वो एंटी वुमन होंगे तो उनके पास औरतें क्यों आएंगी, उनसे दोस्ती क्यों करना चाहेंगी। औरतें वैसे ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और उनके सिक्स सेंस बहुत शार्प होता है, इसलिए वो समझ जाती है कि आप सच में किस तरीके के इंसान हैं। अगर आप वुमन बैशिंग है, अगर आप वुमन हेटिंग है, आपको लगता है कि औरतें ढक्कन है, बेवकूफ है, उन्हें कोई समझ नहीं है, वो नकचड़ी है, वो लालची है, वो गोल्ड डिगर है, अगर आप इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे, पहली बात तो आपको दुनिया में ऐसी लड़कियां फिर मिलेंगी, दूसरी बात ये कि फिर आप कभी भी किसी लड़की के अंदर उसकी अच्छाई को देख ही नहीं सकेंगे। उसके अंदर क्या गुण है, क्या बुद्धि है, किस तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व करती है, इन सारी चीजों को आप पहचान ही नहीं सकेंगे। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।